हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके लर्निंग में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर नंबर 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नाम है मछली। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मछली। बच्चे जो है एक मछली को लेकर कुएं में डालकर उसको बड़ी करना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर दो है, परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीदी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो। यहाँ दोस्तों ये कहानी में तीन मछली खरीदे थे जिसमें कि दो ही मछली उसमें जिंदा था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चार है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू जो है संतू के पीछे भागा था, क्योंकि वे मछलियां लेकर भाग गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी जो है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतु। मतलब क्वेश्चन है पिताजी किससे नाराज थे, तो पिताजी संतु से नाराज थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में मछली कौन खाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसके घर में जो है मछली सिर्फ पिताजी खाते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी? तो बाजार से जो है तीन मछलियां खरीदी गई थी, जिसमें कि दो जिंदा था और एक मर गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, संतु किस प्रकार का पात्र है? तो संतु जो है मछली कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली कौन काटता है? तो मछली को जो है भग्गू काटता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई तीन है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। दोस्तों यहां तक था चैप्टर नंबर 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।